या इसको अपन इसमें एक नाम और भी जोड़ सकते हैं स्टार्टिंग में लोकेशन के अकॉर्डिंग बाप बोल्डर के लिए। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में एक रन है जिसका नाम है बाप रन, जो कि जोधपुर की एक लोकेशन है। तो ये तो लोकेशन के अकॉर्डिंग बोला गया, बाकी ज्योग्राफिकल जो टर्म है आपकी वो यह है बोल्डर किले। जनरली जो किले होता है ये जो बारीक मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं उसके लिए यूज होता है, यानी जो महीन कण होते हैं उनको बोलते हैं किले पार्टिकल। इनसे थोड़े से मोटे होते हैं उनको नाम दिया जाता है सिल्ट। किले का हिंदी मीनिंग होता है चीका, बारीक कण। इससे थोड़ा मोटा होगा उसको कहेंगे सिल्ट, जो नदियों के अंदर आती है जिसको हिंदी में कहते हैं गाद। इससे थोड़ा मोटा होता है उसको नाम दिया जाता है सेंड, सेंड जिसका मीनिंग हिंदी में लेते हैं अपन रेत। इससे थोड़ा मोटा होता है उसको कहते हैं ग्रेवल, ग्रेवल यानी बजरी। और इससे मोटा पार्टिकल होता है, मोटे कण होते हैं उनको कहा जाता है बोल्डर। इसका मीनिंग जो मोटे पार्टिकल्स हैं उसके लिए सब यूज होता है बोल्डर। और इसमें ना केवल मोटे कण जबकि बारीक कण भी होते हैं, कले भी होते हैं। लेकिन इनका डिपोजिशन किसके द्वारा होता है तो कहा जाता है राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, जो वेस्टर्न पार्ट है, इसमें जोधपुर के आसपास पहले जो पर्वतीय भाग थे, और जब अपन ध्रुवीय क्षेत्रों में थे, इंडिया हमेशा ट्रॉपिकल जोन में नहीं रहा अर्थात उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में नहीं रहा, हम किसी टाइम ध्रुवीय क्षेत्रों में थे, अफ्रीका के पास में इंडिया की लोकेशन थी। तो हम धीरे धीरे वहाँ से एक्सटेंड होते होते वहाँ से अलग होते होते और इक्वेटर लाइन को क्रॉस करके उत्तर क्यों आए। तो इसका मीनिंग हम गर्म जलवायु क्यों आ गए, पहले ठंडे क्षेत्रों में थे। तो पहले ठंडे क्षेत्रों में थे तो जोधपुर के आसपास की जो पहाड़ियाँ थी इनके ऊपर ग्लेशियर या हिमानी थे। और जैसे अपन ट्रॉपिकल जोन में आएंगे उष्णकटिबंधीय में आएंगे उसी के साथ ग्लेशियर पिघलना स्टार्ट होंगे, और जब ग्लेशियर या हिमानी पिघलती है तो वो अपने साथ इरोजन या अपरदन करती है, और अपरदन करके मोटे कणों या कंकर पत्थरों को वो अपने साथ नीचे क्यों लेकर आएगी। और इन मोटे कंकर पत्थरों को अपन क्या बोलेंगे, बोल्डर। और ये जब आगे क्यों चलते जाएंगे, लुढ़कते चलेंगे, तो ये बाद में बारीक पार्टिकल्स में यानी महीन कणों के अंदर भी कन्वर्ट होंगे, जिनको हम बोलेंगे किले। तो इसका मीनिंग है हिमानी के द्वारा जिन सेडिमेंट्स का, जिन अवसादों का जमाव किया जाता है, वो या तो बारीक कणों के रूप में किया जाता है या मोटे पत्थरों के रूप में, और उनको नाम देते हैं बोल्डर, किले के नाम से। और ये जो फॉर्मेशन है ये पृथ्वी का जब टूटना स्टार्ट हुआ था या अलग होना स्टार्ट हुआ था महाद्वीपों का, वो टाइम पीरियड माना जाता है कार्बोनिफेरस का। उसके जस्ट बाद में आता है परमोकार्बोनिफेरस। तो उस परमोकार्बोनिफेरस में इन बोल्डर किले का निर्माण हुआ है। तो अभी जो अपने देखा था बोल्डर किले का मीनिंग क्या होगा, तो अब आपके ये सब आसानी से समझ में आ जाएंगे कि बोल्डर किले का क्या मीनिंग लिया जाए। तो सेडिमेंट्स यानी जो अवसाद होते हैं जिसमें सभी प्रकार के कण आते हैं, बारीक और मोटे कण, सेडिमेंट्स एंड लार्ज स्टोन एंड बोल्डर्स यानी बड़े कंकर पत्थर या बोल्डर्स, मीनिंग एक ही है जैसे और कर सकते हो आप, फॉर्म बाय डिपोजिशन ऑफ ग्लेशियर यानी जिसमें औषधों का जमाव या मोटे कंकर पत्थरों का अवसाद यानी जो बारीक पार्टिकल्स है उनका, और जो मोटे कंकर पत्थर है उनका जमाव है वो हिमानी के द्वारा होता है, तो उसको नाम दिया जाता है बोल्डर किले। मोटे कंकर पत्थर है वो तो बोल्डर के रूप में और सेडिमेंट्स है वो किले के रूप में। इनका या निर्माण काल कौन सा समय है, तो इसमें आंसर रहता है आपका परमोकार्बोनिफेरस काल। इस टाइम पीरियड को माना जाता है और ये बाप लोकेशन पे पाए जाते हैं अर्थात ये जोधपुर में स्थित है। तो लोकेशन के अकॉर्डिंग राजस्थान में माने